हाँ जी बाबा जी। बिरहा बिरहा होंदा देखो बिजोग का एहसास होंदा असल बिरहा जिस तन बिरहा ना उपजे मां बाप छड के चले गए जिन्ना चिर जागदा नहीं ओनू बिरहा का एहसास नहीं। अच्छा जागण जदों जागेगा तां बिरहा उठे पैदा होएगी। मैं पहला जी गल कही है उही सुन ओनू मां प्यो दे बिछोड़न दा एहसास बिछड़न दा एहसास जद होऊ जद सुत्ता पिया जागूगा। साडे जिहड़े सुत्ते पिया दे सुपने वाले मां प्यो ने इन्हां दा वियोग तां सानू महसूस हुंदा है पर जिहड़ा असली मां प्यो आत्मा वाला उहदा महसूस हुंदा नहीं। इह तां मां प्यो होणे नहीं जद जागूगा है फिर इहनू बिरहा दा एहसास होऊगा। जित तन बिरहा ना उपजे जेड़े मन विच हिरदे विच बिरहा दा एहसास बिरहा दा ज्ञान पैदा ही नहीं होया सो तन जान नुसान। ठीक है बस पता ही नहीं मां प्यो कौन है डुप्लीकेट बनाई बैठे है। डुप्लीकेट दा बिरहा उपजदा बिरहा दा ज्ञान सच दी जानकारी अपनी आत्म ज्ञान सच दी जानकारी नहीं है। आत्म ज्ञान और परात्म ज्ञान अपने मूल का ज्ञान अपने मूल नो मैं बिछड़िया होया जिथो मेरी होंद है ओहदे नो बिछड़िया होया ओही मेरा मत है ओही पिता है ओही बंधक है ओही भ्राता है ओही रख है ओही स्वामी है। गल ठीक है बाबा जी गल सारी समझ आ गई। एक गल फिर पॉइंट रह गया बिरहा नु विछोड़े दे दुख नु कहांगे विछोड़े दा एहसास नु कहांगे। हां विछोड़े दा एहसास एहसास कि मैं बिछड़िया होया हां एहसास है तो व्याकुलता पैदा हो ता जो एहसास होएगा तो व्याकुलता आएगी। व्याकुलता तो बाद चाहनी है ना एहसास ही नहीं है। एहसास नहीं है ठीक है बिछोड़े का एहसास हो गया जी। ठीक है क्लियर है जी मेरा बिछोड़े का एहसास है। ठीक है जी ठीक है बस बहुत है।